पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बोर्ड की तरफ से आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने ऑफिस बेयरर्स ने वहां पर जो बात रखी, मैं उससे मुत्तफिक हूं, मैं उससे एग्री करता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, मुस्लिम साइड की तरफ से शराफाजी साहब का, खासतौर से सैयद शकील साहब का, इमार शमशाद साहब का, फुजैल अयूबी साहब का, हमारे नाफदे साहब का, मीनाक्षी मैडम का और तमाम जिन जिन का नाम मैंने लिया उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा भी मौका वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोली ट्रैवेस्टी कहिए क्या कहिए किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट, फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेरा जो क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का डिमोलिशन का कि वो कानून के खिलाफ था, तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला बताइए आप, फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं। सुनिए और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा, हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबनी है, मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की, हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की जमीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे, मेरी जाती राय यह है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, ये किसने कहा था, ये जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है, संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से जिसको शुरुआत करेगी, एनआरसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी।
اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے اور فخر ہے، یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی، آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر، مگر میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک بات سچ ثابت ہوگی، یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو بس نے کہا کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، کورٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی رپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی، کورٹ نے مانا اس کو، اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 142 کا جو ایکسرسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے۔ سپریم کورٹ نے 142 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں۔ سر آپ نے کہا تھا کہ پہلے کوئی بھی فیصلہ آئے سپریم کورٹ کا آپ کو ماننا ہوگا، تو پھر آج آپ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں؟ کیا ہندوستان کے سمویدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے؟ کیا میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہوں؟ کیا ہندوستان میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ مجھے ہے، اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسنل لا بورڈ کے سینئر وکیلوں نے کہا، پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ وہاں پر شریعت کے اعتبار سے مسجد تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگھ پریوار کے لوگوں کو کہ اسد الدین اویسی کے بعد بھی جب تک دنیا قائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے، مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر 500 سال تک مسجد تھی، اور 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جا کر کہا گیا تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے ذاتی گھر کا سودا کر سکتا ہوں، مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی سودا نہیں کر سکتا، اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہم ان کے ساتھ۔ سر ہندوستان میں ہردی سوہاڑ بھائی چارے کے لیے اگر اس طرح کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، کیونکہ اس سے پہلے کیا یہ فیصلہ، نہیں سنیے، کیا یہ فیصلہ بھائی چارگی کے لیے آیا؟ انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا، انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے، جسٹس بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے خلاف ہیں؟ یعنی یہ ہو گیا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا، تو آپ اگر کل بتائیے، ابھی کاشی متھرا کا چل رہا ہے، وہ ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے 1991 کے اس ایکٹ کا ذکر کیا ہے، ایکٹ کا ذکر کیا ہے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے۔ اب پرائم منسٹر کے کانسٹیٹیوئنسی میں مسجد ہے، وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں 91 کا ایکٹ ہم مانتے ہیں، مگر اس کے طے خانے پر ہمارا حق ہے، لکھنؤ میں ٹیلی والی مسجد ہے، بولیں گے مسجد نے، مسجد کا جو سامنے آنگن ہے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے، اور پھر 89 میں پالن پور میں بی جے پی نے ریزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا، 1960 میں وشوا ہندو پریشد 60s میں اسٹیبلشمنٹ ہوا، اس کو رام مندر نہیں تھا۔ اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگھ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زمانے میں مندر تھی، تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرموت جی، یہ فیتھ کی وکٹری ہوئی ہے فیکٹس کے اوپر، یہ فیتھ کی وکٹری ہوئی ہے فیکٹس کے اوپر، اور مجھے ڈر ہے، ڈر نہیں بلکہ ایک اندیشہ ہے، اپریہنشن ہے کہ کل سنگھ پریوار کے لوگ کاشی متھرا ہو ٹیلی والی مسجد تو سب چلائیں گے۔ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کورٹس میں جہاں پر ایک کیس چل رہا ہے، تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاکٹ کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں 91 کے ایکٹ کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ بطور آپ کو لگتا ہے نظیر بن گیا ہے یہ فیصلہ؟ بطور مسلم پرسنل لا بورڈ ممبر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا پرسنل لا بورڈ
इसमें नाकामयाब रहा है। नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड रही कि अपनी चीजों को आगे, पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी कोशिश की है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेहतरीन वकीलों की टीम को तैयार किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम वकीलों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि एक दिन दो दिन नहीं, जफरयाब जिलानी साहब महीनों रात रात भर बैठकर उस केस की तैयारी करते थे। राजीव धवन साहब रात में दो दो तीन तीन बजे तक बैठकर, एक दिन दो दिन नहीं, कई टीम के साथ तैयारी करते थे। हम अपने तैयारी किए, हम अपनी हर चीज को सामने रखे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं। सर सर, आपको लगता है कि नजीर के तौर पे इसका, इस केस का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे के जो मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इस बात का कभी अंदेशा है कि किसी मजहबी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे बेटा तेरे लिए फेटा कंपली है। मजहबी स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं, मैं सवाल मेरा तमाम भारत के लोगों से, अगर डिमोलिश नहीं होती बाबरी मस्जिद 392 को तो क्या फैसला आता? मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे बस समझाइए आप क्या फैसला आता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आज भी संघ परिवार के उनके वेबसाइट पर जाइए आप देखिए, ये तमाम चीजें आज भी। सर, आपकी कम्युनिटी के कई उलेमा, कई नेता और कई गणमान्य लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि जो ये फैसला आया है भाईचारे के तहत, इसको मानना चाहिए, धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए। आप भी एक सियासी, आप भी एक सियासी आदमी हैं, आपकी जिम्मेदारी। मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफेलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था, और कौन जे एस वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूँ। मगर जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी अपनी नस्ल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को उसकी बुनियादों खिलाकर रख दिया गया था। ये हम बताते रहेंगे, ये उस दिन जो हुआ वो वैंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वैंडलिज्म बोलना। सर, इसको बढ़ाने से हासिल क्या हुआ? बढ़ाने, कोई बढ़ाने की बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाए हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें, हम भूल जाए महात्मा गांधी के मर्डर को, हम भूल जाए बाबरी मस्जिद को, हम भूल जाए 84 में सिखों को जो मारा गया था, भूल जाए इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए क्या कहा, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने उनसे सवाल करेंगे आपके, तुमने इस तरह का ट्वीट क्यों किया? यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा, मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस द ऑफिस बेयरर्स हैव सेड दैट द पर्सनल लॉ बोर्ड विल डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट फाइलिंग अ रिव्यू पिटीशन, अबाउट टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस 5 acres ऑफर, that the personal law board would decide. I cannot sit here and speak for personal law board. I am speaking here in capacity as a member of parliament and as a on behalf of my party MIM. क्या आप समझते हैं कि दीगर दस्तूरी इदारों की तरह अदलिया भी अपना बेहतर? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं। I again reiterate, Supreme Court is supreme but not infallible. Sir, you are speaking about Hindu Rashtra, would you like to say? Yes, see, that is what it is. I have been saying this consistently. The road to Hindu Rashtra, BJP, Sangh Parivar belief starts from Ayodhya. Then they want to bring in CAB, then NRC. Everything they want to do. Because that is, see, Modi 2.0 is to make India Hindu Rashtra. And it is very unfortunate that the Congress party now says today that they have shown their true colors.
but for Congress party's hypocrisy and their deceitness, the idols would not have been placed in 1949. Had the idols not been placed, the masjid would have been still there, and I would have been still praying over there. Had the locks not been opened by Rajiv Gandhi, I would still be, the masjid would have still been there. Had Narasimha Rao, the Congress government, discharged its constitutional responsibility, the masjid would not have been demolished. This is my concern. This is how politically we have been deceived by all the political parties in the name of whatever you call it. So this is the classic example of vote bank politics. And today's Congress party's reaction is there for everyone to see. Sir, are you suggesting court has been misguided? I am not saying anything. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. Do you think there's a political influence for the kind of body that they see? I am not saying that. Neither do I accept that. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. And as the Basal Law Board has rightly said, we are not satisfied with this judgment. And my grievance, my question is, had the masjid not been demolished after December 1992, what would have been today? Had the idols not been placed in 1949, what would have been the judgment? At each and every step, there is a pattern of injustice. Though Supreme Court is supreme, it is not infallible. सर आप दो बातें बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये जो एक मिनट एक ये आपके साथी पूछ रहे हैं नहीं देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप अपील करते हैं जनता से यकीनन प्रमोद जी को यकीनन मैं आपके और शैलेश के सवाल से मुत्तफिक हूँ. कौन कह रहा है क्या हम अमन के खिलाफ है? अमन मजबूत रहेगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा मुल्क में, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मुल्क में, अमन रहेगा. मगर सच्चाई को तो बयान करना पड़ेगा ना. मैं तो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का गाने वाला तो नहीं हूं कि बाजा लेकर बाजा बजाऊं बीजेपी संघ परिवार का और कांग्रेस का. मुझे सच्चाई को बयान करना है. जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं या कोई हमारे दुश्मन निकालेंगे, नहीं है. यकीन है ना इंशाल्लाह मुल्क में अमन रहेगा, कुछ नहीं होगा, देखेंगे आप. मगर ये सच्चाई तो है ना, मुझे तो बात तो करने दीजिए. क्या हम गूंगे हैं? क्या हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें? हम मुर्दा लाश तो नहीं है ना, हम एक जिंदा इंसान है. हमको भी हम बोलने का हक है, हम बोल रहे हैं अपनी बात को. और हम कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, ना मैं कोई किसी से कह रहा हूं कि कानून को तोड़ो. यकीनन अमन है, अमन की अपील कर रहा हूं, अमन को मजबूत करना पड़ेगा, इसका कोई उसको नहीं. मगर ये बात भी तो बोलना है. सर आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप उससे मुत्तफिक नहीं है, आप उस पर नहीं उस पर सल्ला बोर्ड का सर साथ में आपने एक बात और भी कही कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है. क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आप महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैक्ट्स पर आधारित नहीं है और देश हिंदू राष्ट्र की तरफ? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है. आज का फैसला फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है. मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा हर कोर्ट की, मगर मुझे अख्तियार है अपनी राय को रखने का और मैं अपनी राय को रख रहा हूं. मैं इज्जत करता था कल भी कोर्ट्स की, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा, और मुझे अख्तियार हासिल है. संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं और मैं अपनी बात को रख रहा हूं. मैं तो जीएस वर्मा साहब, लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस वर्मा की बात को रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल. अब आप बताइए इसमें क्या वो गलत बात क्या है उसमें? तो मेरा सवाल का जवाब भी हुआ, मैंने कहा कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है, इसका कोरिलेशन है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है. देखेंगे आप कोर्ट के फैसले क्या. भैया बीजेपी तो कब से कह रही है, 1989 से कह रही है ना, 1989 से बीजेपी कह रही है पालमपुर का, उससे पहले तो नहीं कहती थी. हमको इसीलिए कह रहा हूं कि कल किसी और मसला उठाएंगे, चलेगा 15-20 साल के बाद, फिर उसको हालात बदलेंगे, क्या क्या होगा नहीं मालूम. उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया इस तरह के टीवी चैनल भी नहीं थे. अब तो माशाल्लाह आप लोग सब हैं मदद करने के लिए संघ परिवार को. वो छींकेंगे तो आप बुखार दिखा देंगे, वो खांसेंगे तो आप मुल्क में हार्ट अटैक दिखा देंगे, और वो मुस्कुराए और हम नहीं मुस्कुराए तो आप बोलेंगे आप क्यों रो रहे हैं. तो आप लोग हैं माशाल्लाह. नहीं नहीं ये कोई देखिए ये
भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाना है और भारत के लोगों को तय करना है, जिसमें भी शामिल हूँ। This is my opinion. You can disagree with this. लिंक कैसा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की? मैं कह रहा हूँ, आप शुरू कर दिया बाप आप मुंह में अल्फाज मत डाल। मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोल रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के इनफेलेबल नहीं है, बोलो जस्टिस पढ़ा करो बाबा। जस्टिस जे एस वर्मा जो है ये कहा था, मैं एक ट्वीट में किताब भी, किताब का टाइटल है, पढ़ो आप लोग नहीं पढ़ते। आपका एक प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है हजरत मोदी का एजेंडा लाकर सामने रखते। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपके पेट में दर्द हो रहा, मैं पेट में दर्द नहीं बल्कि आपके दिल में दर्द होने के लिए बोल रहा हूँ। आपके दिल में दर्द होना, आप सोचना, आपके दिल में दिमाग में जो जाले भर दिए गए हैं संघ परिवार के, उससे आपको साफ करना, डिटॉक्सिफाई करना, ताकि आपको दिखे ये पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसे आप निकालिए और देखिए सच्चाई। सर आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से इस मुल्क को खतरा है, क्या आप कांग्रेस के साथ मिलके क्यों मिलूंगा कांग्रेस कांग्रेस? अरे आज तो कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है ना, उनका रिएक्शन देखिए, उनके स्पोक्स पर्सन का जो रिएक्शन है, उनका जो रिएक्शन है देखिए। कांग्रेस वालों को डूब मरना चाहिए। क्या कहा था नरसिम्हा राव ने, उनकी सरकार ने क्या मस्जिद बनाएंगे? व्हाइट पेपर निकाला था, नहीं निकाला था? ये कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये टाइटाई है, ये लोग कंफ्यूजन के शिकार है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफेलेबल। जैसे जी एस वर्मा बोले, और सुप्रीम कोर्ट के वो किताब भी छपी थी, वो कहा है किताब, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप देख लिया, आप लोग देखे ट्वीट देखे मेरा ट्वीट, देखो आप देखो, मैडम को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता तो खाली कोर्ट डाल सकता था, मेरा नहीं, क्योंकि आप लोग जो है आप लोग मेरे पे AK-47 से फायरिंग करेंगे, इसलिए मैं किताब का फ्रंट पे छाप। आप जो अभी की जनता है, जो यूथ है, जो मुस्लिम हिंदू और चाहे जिसको भी ले लीजिए, आप उनको क्या बोलना चाहेगा कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या होगा उन पे, और आप क्या उनको सलाह देंगे? मैं ये बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसके अलावा बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैडम देखिए, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक के एसेज इन ऑनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम फाइनल है, बट इट इज नॉट इनफेलेबल, ये कह रहा हूँ। सर आपने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ, तो इसको रोकने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है, आपके कोई अलायंस है आपके, क्योंकि आप एक तरफ तो कांग्रेस को नकारा साबित कर रहे हैं। प्रमोद जी, इंसाफ और सच्चाई और भारत को बचाने के लिए एक आदमी काफी है। हम अपनी बात को करेंगे, मैं कामयाब हूं ना हूं अलग बात है, शायद मरने के बाद मेरी खबर पर आकर कोई बोलेगा कि हाँ ये दीवाना था जो ये बात कहता था, ठीक है कोई बात नहीं, मगर अगर दीवानगी की जरूरत है इस देश को बचाने के लिए, दीवानगी का इजहार करना पड़ेगा और वो जमहूरियत और कानून के दायरे में रहेगा। सर जिनको आप राइट विंग या हिंदुत्व के लीडर्स कहते हैं, वो सब कल शाम से या कल दिन से ही ट्वीट कर रहे थे कि शांति का माहौल बना रहे, जो भी फैसला हो हम उसका सम्मान करें। डू यू रीड टू मच इनटू दैट? व्हाट बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग आई डोंट गिव टू हूट्स अबाउट देम, आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम, आई फील यू आर डिमीनिंग मी बाय आस्किंग अबाउट व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू। बाबा रामदेव को बोलिए कि आपके टीवी चैनलों पर ऐड क्यों आना कम हो गया उनके, आपकी नौकरियां चले जा रही हैं। बाबा से पूछिए कि बाबा के चैनल में ऐड क्यों कम कर दिए, इतना पैसा तुम कमा रहे हो तो ऐड क्यों कम कर दिए, ऐड देना शुरू करो ताकि आप लोगों की नौकरियां बच जाएंगी। ऐड तो बोले ऐड ही नहीं बन रहा उनका। हाँ बाबा रामदेव को छोड़िए ना मेरे को, मैं जस्टिस जे एस वर्मा की एक कोर्ट कर रहा हूँ। बाबा रामदेव पढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वो अभी तो पॉलिटिक्स में आ जाए, अपनी कंपनी डूब रही है उनकी, उनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, टीवी चैनलों पे आपके ऐड आता ही नहीं है, सिवाय तुम्हारे चैनल पे आता है और किस पे भी नहीं आता, क्या बात है तुम्हारा उनका क्या जुगाड़ है? सर द कोर्ट मेंशन्ड एएसआई जजमेंट, एएसआई रिपोर्ट इन द जजमेंट, so in that context would you take up the issue of Bhagyalakshmi Mandir, because ASI in Hyderabad has maintained that Bhagyalakshmi Mandir is an encroachment. Sir Charminar.
You are really my trusted enemy. Why? Please ask your questions. So on this day, you're asking me this question. Let the ASI take action. Why don't you write in a newspaper? Why doesn't the ASI does not have the power. No, no, no. You see, I your newspaper said, oh, this. You take action now. You decide why is the ASI taking action. आप मैं कुछ बोलूंगा फिर आप लोग शाम में चलाएंगे देखो आप लो ना एक्शन लो ना माय फ्रेंड सेज वुड यू रिटेलिएट इन दिस वे माय फ्रेंड सेज वुड यू रिटेलिएट व्हाट रिटेलिएट सर नो आई डोंट बिलीव इन द लैंग्वेज रिटेलिएशन आई बिलीव इन द लैंग्वेज ऑफ जस्टिस आई बिलीव इन द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हिज क्वेश्चन इज अबाउट अ चारमीनार मॉन्यूमेंट नाउ व्हाई यू हैव अ वैलिड क्वेश्चन But you must ask ASI. No, I am not ASI. Listen, you must ask BJP who is in power, what are you doing? But you are the MP of the constituency. No, see, what ASI, will ASI take action or they will act as a handmaiden of Hindutva? So you are saying that this vertical... पार्टियों के ताल्लुक से अगर इतनी भी मोहब्बत है तो निकाल दीजिए अब आप एक सियासी ताकत कुव्वत बनिए हमारे आज भी इस मुल्क में एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई सेकुलर जहन रखने वाले हैं